लेकिन बीच में ना ये जो आ गया ना, इसने बहुत परेशान किया हुआ हमें। ये पंखा है, फैन है, ये ना जैसे मरी में माल रोड है, ये वैसा रोड है गोलगश्त। रशीद कोल्ड कॉर्नर, हमें वहाँ पे विजिट करवा रहे हैं शेख साहब। शेख साहब के पीछे मैसेज चल रहे हैं जैसे चूंटियाँ ना लाइन में चल रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स आज के ब्लॉग में हम आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम जा रहे हैं पक्का पक्का शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं बताओ यार? हॉस्टल हॉस्टल हाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से ना हमने ना ये पैकिंग वगैरह ओवरऑल कर लिया, और इस शॉपर में ओवरऑल सामान है जो बेसिक सामान है। इस वाले पैक में मेरा सामान है और इस वाले पैक में अर्जुमंद का सामान है। कद के हिसाब से सामान लेके आया मैं भी अपने कद के हिसाब से लेता हूँ। अर्जुमंद वाले और हाई उसपे हैं, और मैं और ज़ैफा एक हाई उसपे हैं। का पार्किंग एरिया है और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। चीज़ अब कि मैंने हॉस्टल में अपना सामान वगैरह रख लिया और अब मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त सुनसान सुनसान है क्योंकि अभी ओपन नहीं हुआ, सुबह 9 बजे का टाइम है। जब ओपन होगा तो ओवरऑल यहाँ पे रौनक होगी। यहाँ पे एक तरफ ट्रैफिक चल रही है और दूसरी तरफ ना ये कबूतर मजे से दाने खा रहे हैं। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। और आधा घंटा लेट में यूनिवर्सिटी में दाखिल हो चुका हूँ और अब हम अपनी क्लास की तरफ जा रहे हैं। क्लास लेते हैं, आज 3 लेक्चर होंगे, कल तो 2 लेक्चर थे डेढ़ डेढ़ घंटे के, आज 1:30 बजे छुट्टी होगी हमें। ये हमारे सीनियर हैं और ये भाई हैं हमारे, हाफिज अली शेर के कज़न हैं और ये दोस्त हैं भाई के। मिलाद आपकी क्लास में? ये इंटरमीडिएट का लड़का हमारे साथ घूम रहा है, दोस्त है हमारा। व्यूअर्स अब इसके भी लेक्चर ख़त्म हो गए, मेरे भी लेक्चर्स ख़त्म हो गए, अब हम दोनों जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। चलें अर्जुमंद, अर्जुमंद ने अभी तक अपना सामान नहीं रखा, सामान दिखाओ अपना अर्जुमंद। सामान अभी इसने उठाया हुआ है और मैं अपना सामान रख के आ चुका हूँ। अब जाके अपना ना सामान रूम में शिफ्ट करते हैं, अभी तक मैंने अपना सामान ऑफिस में रखा हुआ है। फाइनली हम चेज़ाब पे पहुंच चुके हैं और अर्जुमंद और मैं अपना हॉस्टल तलाश करेंगे। अब अर्जुमंद मॉल के अंदर से चले आप, ओए देख यार नौजवान लड़के हैं ये ना, बस सही तरह गाड़ी नहीं चला रहे थे, अभी बेचारे बाइक वाले का नुकसान होता था। ये माल है, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड वालों ने अपने शॉप्स खोली हुई हैं, देख सकते हैं। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। व्यूअर्स ये वाला जो ब्रदर है ये ना यहाँ पे हेड है और हॉस्टल के, इनके जो वालिद साहब हैं वो एचओडी हैं, और एचओडी है कौन से उसमें बीजेडीयू में एचओडी है, और उन्होंने ना यहाँ पे चेज़ाब में ओवरऑल ये वाला जो फ्लैट है उसको ना रेंट पे लिया हुआ है, और आगे ये फिर रेंट पे सेल करते हैं, इसी तरह ये बिजनेस कमा रहे हैं। तो ये हमें उन्होंने रूम दिया, कारपेट की कंडीशन तो अच्छी है, बस रूम की जो कंडीशन है वॉल की वो बस थोड़ी सी बैड है, बहरहाल थोड़ी सी बैड है, ज़्यादा बैड नहीं है और अच्छा भला गुजारा हो जाएगा। लेकिन बीच में ना ये जो आ गया ना, इसने बहुत परेशान किया हुआ है हमें। ये पंखा है, फैन है, वो कह रहे हैं कि हम आपको ना शाम तक ऊपर फैन लगा के दे देंगे, अभी आप इससे इसको चलाएं। व्यूअर्स भाई ने कहा कि हम आपको थोड़ी देर तक थोड़ी बहुत सेटिंग कर देते हैं और शाम तक ये ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमें मैट्रेस भी दिए जाएंगे और शायद एक कबर्ड भी दें, और उसके अलावा ना हमें एक फ़ैन लगा के देंगे ऊपर, और जो बेसिक नीड्स हैं उनमें होती हैं जैसे वाईफाई हो गया वो और मैट्रेस, अब वो हमारी पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम यहाँ पर सेट आ जाएँ, है ना। अर्जुमंद भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा गुजारा है या अच्छा लग रहा है? ठीक है। ओ यार इन पार्किंग एरिया यहाँ पे फाद आया हुआ है, फाद को ढूंढते हैं हम। ये फाद भाई के दोस्त हैं साथ, अब हम इनको अपना हॉस्टल विजिट करवाते हैं।
यार अर्जमंद को तो हॉस्टल पसंद नहीं आया है फाद, अर्जमंद को हॉस्टल पसंद नहीं आया, अब हम चेंज करने के इरादा कर रहे हैं। बंदा बोर शोर होता है यहाँ पे, माहौल जो है ना यहाँ पे अच्छा माहौल है ना, यहाँ पे हॉस्टल अच्छा है। मेरा बिस्तर और ये अर्जमंद का बिस्तर है, अभी हम यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं, वो भाई आए हैं, भाई का भी ये बिस्तर है और यहाँ पे विंडो है। ये हमने ना एक हॉस्टल लिया और ये गुलगश्त में लिया, हमने गुलगश्त है ना ये भाई, गुलगश्त में हमने एक हॉस्टल लिया, वो जो चेजअप वाला था उसको हमने ना रिजेक्ट कर दिया, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था, उसमें कंडीशन वगैरह थोड़ी ख़राब थी, उसमें वॉल कंडीशन भी सही आपके सामने, और इसमें ना बाकी सारा जो है वो सारा कुछ सेटअप है पड़ा, यहाँ पे कबड वगैरह भी हैं और ओवरऑल तैयार शुदा में रूम मिल गया है। शेख साहब का रूम बिल्कुल सामने है, ये हमने ना शेख साहब को देख लिया, ये शेख साहब का रूम है, लग्जरी रूम लग रहा है शेख साहब आपका, हमारी सेटिंग हो जाएगी फिर एक जैसा हो जाएगा। अर्जमंद अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, देखें यार हर चीज लोगों को दिखाएं, मैंने तो यूनिफॉर्म चेंज कर लिया और मैं रिलैक्स हो चुका हूँ, अर्जमंद अभी कपड़े प्रेस कर रहा है, उसके बाद रिलैक्स हो गई है, जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो फिर हम दोपहर का खाना खाने जाएंगे। एक साहब हमें ना ओवरऑल मुल्तान का जो ये वाला प्लेस है इसके इर्द गिर्द ओवरऑल जितने भी शॉप्स हैं और मेन वो हैं हमें वहाँ पे विजिट करवा रहे हैं शेख साहब। शेख साहब के पीछे मैसेज चल रहे हैं जैसे चूंटियाँ ना लाइन में चल रही होती हैं। यहाँ से हमने लॉक लिया है अपने हॉस्टल के दरवाजे के लिए, अब आगे चलते हैं हम, इस तरह से चलते हैं ऐसे। बीबीए के सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स हैं ये सारे, अर्जमंद और मैं फर्स्ट टाइम के हैं, शेख साहब भी फर्स्ट टाइम के हैं, ये अभी बढ़ के आ रहे हैं और हमें तकरीबन कोई 3-4 घंटे हो गए हैं अपने हॉस्टल में आए हुए हैं। यार इनका ना कुछ खाने पीने का इरादा हो गया तो मैंने इनको शेख साहब ने हमें आइडिया दिया कि हम रशीद ड्रिंक कॉर्नर पर चलते हैं, वहाँ पर कुछ जाके खाते पीते हैं, तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं सारे। रशीद कोल्ड कॉर्नर, कर लिया पेट भर के खाया और अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, आगे काफी ट्रैफिक है, ये ना जैसे मरी में माल रोड है ये वैसा रोड है गुलगश्त, हर तरफ रौनक ही रौनक है, ये मेरे ख्याल में रात कोई 4 से 5 बजे क्लोज होगा क्योंकि एक्सपेंसिव लोग आ गए यहाँ पे, ऐसे लोग जो रात को लेट सोते हैं वो आ गए हैं अब यहाँ पे। व्यूअर्स ये हमारे हॉस्टल का ना व्यू है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा व्यू है, उम्मीद करता हूँ हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला हर व्लॉग आपके पास आता रहे।